आज काय करतो? हाय गाइस, हाय गाइस, बोलो गुड मॉर्निंग। सो गाइस, सुबह के 10:30 बज रहे हैं, कोहरा बहुत है और हम लोग आए सोनागिर जहाँ मेरा भाई रहता है हॉस्टल में। आज उसका बर्थडे है तो वो सेलिब्रेट करने और सरप्राइज देने, अगेन सरप्राइज। यस, उसको भी नहीं पता कि मैं आई हुई हूँ और टैनी आई हुई है, उसको नहीं पता। हम लोग कोलकाता से आए, उसको यही नहीं पता अभी तक, क्योंकि उसके लिए सरप्राइज देना था। सो सरप्राइज है, सारे लोग हैं, कुछ लोग पीछे आ रहे, कुछ आगे निकल गए और मैं थक गई हूँ क्योंकि सीढ़ी। अच्छा, आप थक गई हो? हाँ। अच्छा, झूठ बोल रही हो? मम्मा तुम्हें लेके आई है, तुम कैसे थक गई? टैनी को कौन लेके आया? मम्मा लेके आई है ना, तो टैनी थकेगी। मम्मा कौन थका? नानी, नानी। अरे ट्रेन तो अभी तक खड़ी है, एक बारी बीच में रोक दी थी मालूम है, जो अम्मा के साथ आए थे। तुम थी तब? मेरे तो पैर, मेरे तो पैर सुन पड़ गए। चलो, ये बोल दे नानी बैठी। तो हम लोग आ गए अपने रूम में, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। तो जैसे कि ये मेन गेट है हमारा, ठीक है, मेन गेट सेंटर करती, दो बेड है इधर, दो चेयर, एक टेबल, दो उधर चेयर, देन उसके आगे इधर वॉशरूम है, उधर बाथरूम है, देन जस्ट सामने ये एक किचन है। हाँ, किचन है ये पूरा, है इसमें गद्दे रखे हुए हैं, ये किचन है, सिंक वगैरह लगा हुआ है, स्लैब लगा हुआ है। अगर यहाँ कोई आके रहता तो बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है किचन भी, ऐसा नहीं है, छोटा मोटा नहीं है। देन उसके बगल में एक रूम है, इसमें भी अटैच्ड बाथरूम है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए बाथरूम और वो है, ठीक है, एंड कबर्ड भी है, मतलब काफी है। 1, 2 दो रूम हो गए, एक ये भी रूम है। लाइट्स ऑन कर, इसमें लाइट नहीं है, ठीक है, मतलब एक हॉल हो गया, एक रूम हो गया, दो अलग वॉशरूम एंड वो एक किचन, एक उसमें भी अटैच्ड, ऐसा कुछ है पूरा। चलिए अब मैं जाती हूँ, मैं थोड़ा फ्रेश व्रेश हो लूँ। पूरा हॉस्टल अंदर जाके ये रूम जो दिख रहे हैं वो अंदर, उधर से विंडो जो दिख रही है वो रूम्स हैं। ये वाले में हम रुके हुए हैं जो मम्मी खड़ी हैं, और उधर में उसका रूम, ये बाथरूम लिखा हुआ ना, उस साइड से अंदर जाके मैं दिखाऊँगी। ये भी मंदिर है, ये इधर पार्क है, और ये सब है, बहुत मतलब बड़ा एरिया है और काफ़ी यहाँ पे मंदिर हैं। ये है सोनागिर में, सोनागिर में, और सोनागिर के बाद जो वो जाता है पढ़ने के लिए दूसरी जगह, ठीक है, यहीं से उसका सब कुछ होता है। बस बस वो अकेला नहीं जाता, काफ़ी सारे बच्चे जाते हैं, स्टाफ जाता है पूरा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मम्मी मात रहो बकरी है जे। हाँ मम्मी, ऐसे मत छोड़े, मेरी जैसी हाल, बचपन जैसी। एक बार बकरी ने मेरे को मार दी थी बचपन में। तीनों बहुत क्यूट है, ये प्रियंका के बहुत फेवरेट थे। ओके गाइस, सो अब हम आ गए हैं अपने धर्मशाला में, और यहाँ पे हम खा रहे हैं खाना। खाने में था दाल और लौकी की सब्जी, रोटी, एंड देन उसके बाद था, ये देखो सबके कैमरे चालू हो जाते। एक तो जब बहुत सारे ब्लॉगर होना तो कसम से बैंड बज जाती है, कसम से, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। क्या मुझे ना ये देखना पड़ता है कि इन लोग का कैमरा जहाँ पे चालू ना हो मैं वहाँ पे करूँ, मैं मोस्टली वही कोशिश करती हूँ। बट ये लोग का क्या होता है कि ये लोग जहाँ मुझे देखते हैं वहाँ सबसे पहले चालू करते हैं। बट ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं अगर एक बार ही मना भी कर दूँ तो भी मान जाते हैं, ऐसा नहीं है। मेरी ये लोग बात भी बहुत मान लेते हैं, ये मैं क्योंकि मैं कोई गलत बात करती नहीं हूँ, मेरे पेट में जो है ना वो मुँह पे है। मैं किसी के लिए ये नहीं कर सकती कि किसी को घी लगा दूँ कि भैया नहीं नहीं तू मुंह पे बोलूँ उसके तू बहुत अच्छा है, पीछे उसको गालियाँ दूँ, ये सब मेरे से ना हुआ है और ना होगा, ना मैं कभी कर पाऊँगी, ये मेरी आदत नहीं है। बहुत लोगों की होता है, बहुत, कि तुम्हारे मुंह पे कुछ और बोलेंगे पेट में कुछ और होंगे,
इसलिए सारे लोग मेरी बात मानते हैं, यहाँ तक कि मेरी मम्मी भी मेरी सुनते हैं, सब लोग मेरी मोस्टली सुन लेते हैं मेरी, अगर कोई मतलब अगर मानने वाली बात है तो मान लेते हैं, ठीक है। और मैं गलत बात नहीं करती। और देखिए मैंने यहाँ पे उदाहरण भी दिए, तो सारे खाने के कनेक्शन दिए कि घी नहीं लगाती, मेरे पेट में नहीं पचता, तो टहनी को भी खिला रही हूँ, तो खाने में था लौकी की सब्जी, रोटी, चावल, गुड़ और दाल एंड कड़ी, वो भी पुए वाली, तो मुझे तो बहुत अच्छे से पेट भर के खाना खाया मैंने, एंड टैनी ने भी बहुत, टैनी ने भी खाया। और ये देखो हमारी टैनी, हम लोग यहाँ पे आ गए रूम पे, तो मैं सो गई थी थोड़ा सा, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, अभी बताऊँगी मैं। तो मैं उठी तो ये दो बच्चे बैठे हुए थे, एक्चुअली इनमें से एक, ये दोनों स्कूल ने गए थे, एक को कुछ चेकअप कराना था अपना, और दूसरे वाले को उसका मतलब स्कूल में कुछ उसको वॉमिटिंग वगैरह कुछ हो गई थी, इसलिए वो आज दो ये नहीं गए थे, बाकी सब गए थे। ये अनमोल के फ्रेंड्स हैं, टेनी भी यहाँ पे खेल रही थी, तो मैं उठी, मैं देख रही थी इन बच्चों ने सारे बैलून्स जो हैं फुला दिए थे बढ़िया तरीके से। मेरा ब्लॉग भी नहीं जा पाया, बताए क्यों? क्योंकि मैंने वीडियो तो लगाया था आप लोगों के लिए एक अच्छा सा, बट कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वो मुझे हटाना पड़ गया, और 2 बज गया, अभी यहाँ पे नेट भी नहीं है और मेरे पास कोई चीज़ भी नहीं है कि मैं वीडियो आप तक पहुंचा सकूं, तो इसलिए वीडियो नहीं गया। और वीडियो अब कल आएगा, वो भी ये वाला व्लॉग आएगा, और मैं इतना परेशान हो गई हूँ यहाँ पे कि खाना खाने के बाद मैं तुरंत इतना नींद आया, क्योंकि मैं मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग बाहर ही अर्ली मॉर्निंग 3 PM नहीं 3 नहीं सॉरी झूठ क्यों बोलूँ मैं 4 बजे से उठी हुई हूँ, 4:45 से आ रही है, अभी अभी रुक जाओ, आने दो, नहीं उतरना नहीं है वहाँ पे, वो दाढ़ी वाले अंकल हैं ले जाएंगे, दिख रहे हैं वो सामने देखो वहाँ पे। तो मेरे को इतना मतलब वो हो रहा था कि खाना खा के अभी मैं तुरंत सो गई थी, और बच्चे जब आँख खोले तो बच्चे ने सारे बलून्स फुला दिए हैं, अब देखती हूँ मैं करूँगी, नहीं उतरना नहीं है, तासी नहीं है यहाँ पे, तासु गए हैं वहाँ पे फ़ोन चार्ज पे लगाने, इधर रूम में लाइट भी नहीं आ रही है जो हम फ़ोन चार्ज पे लगा लें। अब देखते हैं क्या करते हैं, अनमोल कब तक आएगा, सबसे पहले हमें अपना ड्रेस चेंज करना है, थोड़ा सा मेकअप करना है, हेलो कौन? मुझे अच्छा टेनू से दूर रटो, अच्छा मैं गंदी बच्ची हूँ, आप गंदी बच्ची हो, मम्मा नहीं मेरा बेबी गंदा बच्चा नहीं है, मम्मा का बेबी अच्छा बच्चा है, मम्मा का बेबी अच्छा बच्चा है ना, फिर यहाँ से जाने के बाद फिर पैकिंग करनी है मुझे, पता है कोलकाता जाने की नहीं, कोलकाता जाने की पैकिंग नहीं करनी है अभी, तो देखो कैसे करते हैं हम भाई का बर्थडे सेलिब्रेट, मेरे पैर भी बहुत दुख रहे हैं सच में, मैं क्या करूँ परेशान हो गए, देखते हो क्या बट। ये देखो ये लग गई प्लेट्स, पता है क्यों? क्योंकि इसमें दिए जाएंगे केक्स, आपको लग रही होंगी बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी नहीं है, मीडियम साइज़ की, बहुत छोटी है ये, ठीक है। इनमें दिए जाएंगे नमकीन, बिस्किट, जो भी होगा वो सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो ये यहाँ पे देखिए सब तैयारी करके रखा हुआ है सबको, क्योंकि उसके जो स्कूल उसके जो ये नाना है, ये पी के नाना जी हैं, ये मम्मी के मौसा जी लगते हैं, हम इनको नाना जी बोलते हैं। हेलो बोलो, हाय हाय, हम तुमको नहीं जानते, बाल ऊंचे करो ना, दिखाओ ना पूरा चेहरा ना दिख रहा, ताकि जो लोग तुम्हें कहीं देखें तो पकड़े। ओहो ये देखा एक्सीडेंट भाई थी वो दिखा, बेटा आज तू बॉबी मामा ऐसे लगो, मुझे नहीं नहीं लद्दू नहीं, लद्दू नहीं, नाना नाना क्या करें ना मार कजुन आ रही खुश रह जो याद है कौन वो आ रहे हैं,
ये देखिए हम मैंने पूरा रूम सजाया बिना टेप के, पता है ये बिना टेप के बैलून लगे हुए सारे। आप लोग पता है ये मेरा ट्रिक है, सिर्फ दो बैलून में गांठ लगाया और किसी को कील पे फटकाया, किसी को किधर करके मैंने सारे बैलून लगा दिए थे। और यहाँ पे अभी पूरा डन हो चुका है। और ये देखिए तेनू खेल रही है। अरे मैं कैमरा ऑन कर दी थी यहाँ पे, मुझे नहीं पता था ये जो बाबू है ये कैमरे के सामने आ गया था। और मैं सोच रही थी कैमरा चालू है, उसको भी नहीं पता था शायद कि कैमरा चालू है। मैंने कुर्ती डाल दी थी, वो जैकेट डाल दी, जैकेट बहुत है, हम लोगों ने ड्रेस चेंज कर ली थी टैनी की भी, मैंने ड्रेस जो है वो चेंज कर दी थी इवनिंग में, क्योंकि सारे बच्चे हॉस्टल से सारे तो नहीं आए थे, आधे आए थे, ये लोग आधे जो है अभी बाकी थे, इन लोगों का जाते हैं ये लोग जिसमें, तो आधे नहीं आए थे, आधे आ गए थे। सो जो लोग आ गए थे वो तैयार होकर खड़े थे, तो मैं बच्चों का एंटरटेनमेंट कर रही थी कि बताओ कौन तेल डाल के आया, स्मेल आ रही है वो वाला, तो सब कोई कह रहा है मैं तो गीले करके आया हूँ, कोई कह रहा है मैं वैक्स लगा के आया हूँ, कोई कह रहा है मैं दीदी ये करके आया हूँ। तो सारे ही बच्चे जो हैं बहुत क्यूट हैं, टेनी भी खेलने में बहुत मज़े से खेल रही थी, बहुत ही क्यूट तरीके से, बहुत मतलब खुश थी। बस एक ही जगह वो डरी थी, जिस जगह जितने भी बैलून है आवाज़ हुई थी उसी जगह वो बहुत डर गई थी, दैट्स इट, वरना वो भी बहुत अच्छे से खेल रही थी। ये अनमोल का केक, और ये देखिए दो दो केक क्यों है इसका भी मैं राज बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि अनमोल के जो यहाँ पे हॉस्टल के आई थिंक वो भैया जी हैं या कौन है मैं नहीं जानती, ये करके उनका भी बर्थडे था, इसलिए यहाँ पे टू केक्स कट हुए थे, अनमोल का और पीयूष जी जो नाना जी लगेंगे या मामा जी जो भी हैं उनका भी बर्थडे था, इसलिए दो केक हैं। यहाँ पे सारे बच्चे इकट्ठे हो गए हैं, ऑलमोस्ट जो भी थे वो भी आ गए, अब केक कटिंग की तैयारी है। यहाँ पे कैंडल लगाई जा रही थी, अभी भी कुछ लोग आने बाकी थे, टैनी यहाँ पे बीच में खड़ी थी और वो उंगली से चाट रही थी केक को बीच में से लेके, ऑलमोस्ट बच्चे ऐसे ही करते हैं। और आधे बलून तो इन लोगों ने फोड़ ही दिए थे, इतने बदतमीज है ये। हाँ बीबी ये मेरी बड़ी मौसी जी, और ठंड पड़ रही है तो सबको मैंने बता सकती हूँ, सारे दोस्त हैं अनमोल के, तो यहाँ पे टीका हो रहा है अनमोल का, हल्दी से ही कर दे रहे हैं, रूरी तो नहीं थी तो पहले मौसी ने किया, फिर ये देखिए सारे फ्रेंड्स खड़े हुए हैं यहाँ पे इसके, और ये मेरे मामा का बेटा है जो बलून है फोड़ रहा है, तो ये दोनों ही यहाँ पे रहते हैं पढ़ते हैं। ये आ गई मैं यहाँ पे टैनी और मैं करण की, अरे मैं बड़ा जब भी देखो उसका बेचारे का मुँह पूरा खराब कर दिया था, ये सिंपल का करामा था, इतनी बदतमीज की इसने ये किया था उसका मुँह करा, फिर टैनी से कहा था मैंने टैनी लगाओ हन्ना लगाओ, इसे हन्ना बहुत लगाती है ना सबके, इसलिए तो मैंने इसको बोला हन्ना लगा ले, मैंने कहा फोटो, मैंने कहा इसको तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँगी तो ऐसे कर ले। तो यहाँ पे मैं आई थी वीडियो शूट करने कुछ बोलने, बट यहाँ पे सिंपल आ गई बीच में तो मैं उससे बात करने लग गई, बट इस जगह फिर मैंने म्यूट ही कर दिया आवाज़, क्योंकि मैं कुछ बोल रही थी और टैनी खेल रही है, मैं दिखा रही हूँ, सारे लोग खा रहे बैठ के नाश्ता, वही केक नमकीन बिस्किट जो भी सारी चीज़ें हमने दी थी, तीन तरह की नमकीन दी थी, एक केक था और बिस्किट था, यही दी थी, खाना वाना तो यहाँ हम करा नहीं सकते बाहर में आके ना, तो इसलिए सिर्फ यही दिया था।
ये अनमोल जिसका बर्थडे है, जिसका हम यहाँ सेलिब्रेट करने आएंगे, करने आएंगे नहीं, जिन लोगों को नहीं पता था कि मेरा भाई है, सो ये है मेरा भाई अनमोल। हाँ चलो सब लोग इसको विश कर देना कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे। और आप लोगों ने देख लिया इसका बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ, अच्छी लगी ना हम लोग आए, हाँ सरप्राइज मिली ना। देखो खाने को दे रे इनको, मोबाइल दो पर मोबाइल को, तो वो खुद ही बेचारी टीका कर रही है। आपको पहले भी बता चुकी थी, मैं हाँ भी ले रही हूँ, बहुत नींद आ रही है, तो मैं तो जा रही हूँ सोने, पहले वीडियो एडिटिंग करूँगी वरना कल भी ब्लॉग नहीं जा पाएगा। सर इतना दुख रहा है मेरा, इतना दुख रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब भयंकर तरीके से मेरा जो तबीयत है बिगड़ रहा है। बस एक शुक्र है अभी तक सर्दी नहीं हुआ है, वो हो गया ना तो और ज़्यादा भयंकर हो जाना है इसलिए। सो चलिए बाय, मे भी आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा अनमोल का बर्थडे, सो लव यू ऑल एंड बाय बाय, टेक लव यू ऑल। मैं सोच रही दवाई ववाई खा लेती हूँ, एंड हम लोगों ने उम्मीद नहीं करी थी कि बर्थडे इतना अच्छे से सेलिब्रेशन हो जाएगा, बहुत अच्छे से हुआ जो भी हुआ। कल सुबह ही सुबह हमें निकलना है और सुबह 7 या 8 बजे समथिंग ट्रेन है, और मुझे इतना मतलब आवाज़ है, एक मिनट रुको, आवाज़ कम कर लो, हो सकता है कि सुबह सुबह ट्रेन, मुझे लगता है मैं बैठ पाऊँगी, इतना ठंड, इतना ठंड। कहनी को तो मैं फुल कवर करके रखी हूँ, बट मुझे ही लग रही है, पता नहीं क्यों। पता है मैं कभी कभी बातें सोचती हूँ कि औरत कितना भी कर ले, कभी उसकी लाइफ में ना जो उसको चाहिए वो नहीं मिल पाता। पर छोड़ो, इस बात के बारे में नेक्स्ट में करेंगे। तो आपको कैसे लगा मेरे भाई का बर्थडे कमेंट करके बताना जरूर। ओके बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। एंड आप लोग भी विश कीजिएगा उसको, विशेस दीजिएगा भर भर के। ओके बहुत नींद आ रही है भयंकर वाली, सॉरी इसके लिए सॉरी कि मैं आए लेट। बाय। सो आज हम बात करेंगे टेम्पोन के बारे में। टेम्पोन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पीरियड्स में यूज होता है। टेम्पोन आप पिक देख सकते हो कुछ इस तरीके का होता है, इसको हमें अपने वजाइना में इंसर्ट करना पड़ता है। और ये पूरा आप अगर मान लीजिए नॉर्मल आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप इसको 8 आवर तक यूज़ कर सकते हो, नहीं तो 12 आवर तक यूज़ कर सकते हो। वो आपको महसूस होने लगता है कि आपको ये निकालना है या क्या करना है। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, आप इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा कि आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। लाइक एक कि पैड से आपको रैशेज होते हैं, आपको पता चलता रहता है कुछ रैशेज हो रहे हैं, कुछ इन्फेक्शन हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इससे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड आप जैसे कि मान लीजिए ऑफिस गोइंग गर्ल्स हैं एंड और भी हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो इसका टेम्पोन का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चेकआउट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेकआउट करना मत भूलिएगा। ओके okay?